हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नी। यहाँ पे एक्चुअली इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी नहीं है, हालांकि है बट वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे नहीं कराने वाली हूँ। उसके लिए आपको दोपहर को 3 बजे मैं ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, तो उसमें मैंने ये सारी क्वेश्चन करा दिए हैं। एनी वेज, यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो संस्कृत पैडागॉजी सेक्शन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कॉमेंट आए हुए थे तो उसके रिप्लाई में एक तरह से एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं आप पे बताने वाली हूँ किस तरह से आप संस्कृत पैडागॉजी, जैसे जो लोग सेकंड टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनका ये सेक्शन अच्छा है, जिनकी संस्कृत काफ़ी अच्छी है, तो उनके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो जो है यूज़लेस हो जाएगा, ये सारे टिप्स काम उनके मतलब यूज़ की है ही नहीं। बट यस, जिनको संस्कृत पैडागॉजी से डर लगता है या जिन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन उनके रॉन्ग होते हैं प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते हुए, तो उनके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी, यूज़फुल भी होंगे। अगर वो चीज़ को दिमाग में बैठा लेंगे तो बिल्कुल उनके लिए एग्ज़ाम में ये चीज़ यूज़फुल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि संस्कृत आपने चूज़ की है एज अ लैंग्वेज टू सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आपने चूज़ की है, ठीक है। और जनरली जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि पूरा पेपर पहले सॉल्व कर लेते हैं, और लैंग्वेज टू क्योंकि इसकी एक अलग से आपको बुकलेट मिलती है, इसको आप लास्ट में सॉल्व करते हैं। जनरली ऐसा होता है 90% लोग, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो पहले सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज 90% लोग जो है इसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप संस्कृत पैडागॉजी, आपको पता है कि संस्कृत को पढ़ के समझने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। हिंदी है या हिंदी से कुछ भी लिखा है उसको आप जनरली रीड करते जाएंगे, इंग्लिश इंग्लिश में रीड करते जाएंगे, बट संस्कृत में आप एक बार रीड करते हैं, क्योंकि संस्कृत इतनी फ्लुएंट नहीं होती है, मैक्सिमम लोगों की नहीं होती है, तो संस्कृत को आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसको आप भाई एक बार रीड करते हैं, देन उसके बाद इसको विश्लेषण करके, इसको ब्रेक कर करके, डिकोड करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसा ही हर लाइन के ऑप्शन को आप करते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं कि क्या सही आंसर होगा। तो इतना मान के चलिए कि बाकी जो आपके 5 पार्ट हैं, टोटल 5 पार्ट्स होने वाले, जिसमें 4 पार्ट्स आपके, इनकी टाइमिंग 5 पार्ट्स को आप डिवाइड करते हैं, टोटल 2.5 घंटे को आपको डिवाइड करना होता है 5 हिस्सों में, तो एक पार्ट के लिए आप आधे घंटे आपके पास टाइम होता है। लेकिन संस्कृत के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आधा घंटा हालांकि बहुत होता है, 30 क्वेश्चन संस्कृत के सॉल्व करने के लिए कम नहीं होता है, फिर भी अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर चलते हैं तो वो बेस्ट होगा, स्पेशली जिनकी संस्कृत काफ़ी वीक है। तो आप टाइमिंग का मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि पेपर सॉल्व करते 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 पता चला 15 मिनट बचे और फिर 15 मिनट में आप संस्कृत सॉल्व करने बैठे, तो गलती होगी ही होगी, क्वेश्चन में कभी नास्ति नहीं दिखेगा, नास्ति अस्त दिख जाएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक होनी है। गद्यांश वगैरह तो इतने लॉन्ग लॉन्ग आते हैं कि मेनी टाइम्स ऐसा होता है हर क्वेश्चन के बाद आपको पूरा पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल वे में जो होता है वो मैंने बताया हुआ है। प्रैक्टिस सेट के टाइम पर प्रॉब्लम नहीं होती है ना, लेकिन एग्ज़ाम में होता है क्योंकि टफ आता है थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि टाइमिंग का हो गया, टाइम आप एक्स्ट्रा लेकर चलिए, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ कि सबसे पहले उसी में उलझ जाइए, ये भी मत करिए, जो पहले आते हैं, जो पहले ज़्यादा इजी लगते हैं, जल्दी हो सकते हैं, वो करिए, लास्ट में करिए, लेकिन टाइम लेकर चलिएगा। दूसरी बात जो यहाँ पे है कि अब संस्कृत पैडागॉजी बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, अब क्या करें। तो देखिए, आपने हिंदी पैडागॉजी पढ़ी है, मैंने कई बार बताया है इस बात को, हालांकि प्रिपरेशन कराते वक्त, आपने हिंदी पैडागॉजी पढ़ी है ना, संस्कृत पैडागॉजी कुछ भी नहीं है, पूरी वही है, सेम चीज़ है, फ़र्क इतना है, इसमें भी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज होता है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज होता है, हिंदी में भी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ सेकेंड लैंग्वेज करके आता है क्वेश्चन, तो वो मैटर नहीं करता। ओवरऑल चाहे आपका जो टॉपिक है, चाहे फिर वो आपका देखिए भाषा अर्जन है, भाषा अधिगम है, उपचारात्मक, निदानात्मक, ये सारी चीज़ें हैं, समावेशी कक्षा की समस्याएँ, लाभ, ये सारी चीज़ें, बहुभाषिकता, भाषा कौशल, ये सब कुछ जो आपने हिंदी में पढ़ा है वही आपका संस्कृत में है, यानी कि कुछ भी ऐसा अलग से नहीं आना। इनफैक्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते वक्त, प्रैक्टिस सेट नहीं बोलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन संस्कृत के सॉल्व करते वक्त हमने देखा कि कई सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जो कि किसी साल हिंदी में आए थे हिंदी से, किसी साल इंग्लिश में आए थे इंग्लिश से। अगर आपने वाकई में प्रिपरेशन आप कर रहे हैं 1-1 महीने से तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो क्वेश्चन वही चीज़ है जो हिंदी में है, अब फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है कि वो संस्कृत से है। तो संस्कृत जो चीज़ हमें ऑलरेडी हिंदी में आती है उसे संस्कृत में समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एक शब्द को ऐसे ब्रेक कर करके उसका अर्थ थोड़ा टूटा फूटा अर्थ भी निकाल लेंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि एकदम उसका शुद्ध ट्रांसलेशन आपसे बने।
टूटा फूटा अर्थ भी निकाल लेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, इसमें ये गारंटेड है। हाँ, अब सही उत्तर ही नहीं बनता तो वो एक अलग बात है, फिर वो आपका बैड लक, सही उत्तर बनना चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी हिंदी पैडागॉजी सेक्शन नहीं देखा है तो आप सिलेबस उठाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करिए, रिवाइज करिए, ट्रेस करिए, सिलेबस जरूर ट्रेस करिए, सिलेबस उठाइए, 5 मिनट का काम है, देख लीजिए कि हिंदी पैडागॉजी का जो सिलेबस है उसमें से कौन सा टॉपिक बचा हुआ है जो आपने नहीं पढ़ा है, एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए। एक टॉपिक पढ़ने में 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक जनरल वे में पढ़ना है, कभी ना कभी तो आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं, तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। संस्कृत पैडागॉजी कुछ भी नहीं है। अब आपको यहाँ पे संस्कृत पैडागॉजी में कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि एक समय में आपको वो कैप प्रोवाइड कराती थी, उसका भी यही रीज़न था। जैसे कुछ वर्ड्स बहुत कॉमन है, जैसे अस्थि है तो इसका मतलब आपको पता है नास्ति रहेगा, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन नेगेटिव है, यानी कि नहीं बोल रहा है कि जो चीज़ नहीं है। इसी तरह से एक आपका समीचीन आता है, समीचीन यानी जो उचित हो, और एक असमीचीन आता है उसका अपोजिट, समीचीन अच्छा उचित जो रहे, असमीचीन उसका उल्टा। तो ये वर्ड अक्सर पूछा जाता है पैडागॉजी सेक्शन में। इसी तरह से कुछ कुछ की वर्ड्स आपको फाइंड आउट करके याद में रखते चलने हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर पूरा नहीं भी समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें जो कुछ भी वर्ड्स लिखे हैं उसके बारे में ये नास्ते निगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा इनमें से नहीं है, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी तो आप अध्ययन एशु अध्ययन के लिए कथम उत्तर, चलिए इनका आंसर नहीं बनता, इनका ट्रांसलेशन नहीं बनता, कोई बात नहीं, मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ऐसे ब्रेक कर करिए, ज्ञान लक्ष्यशु अन्यतमम नास्ति जो नहीं है। अब आप देख लीजिए, आप इस तरह से यानी टूटा फूटा मीनिंग भी निकाल के आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल सही आंसर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है 3-4 दिन का, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए जितना पॉसिबल हो, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको संस्कृत की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, चेक कर लीजिए। 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने ही कराए हैं सिर्फ संस्कृत पैडागॉजी सेक्शन से, तो आप देख लीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाए हैं, चेक कर लीजिएगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और रही बात टॉपिक की, तो यस एक बार मैं फिर से रिकमेंड करूँगी, हिंदी पैडागॉजी सेक्शन क्लियर करिए भाई, हिंदी में भी आपके काम आ जाएगी, संस्कृत में भी काम आ जाएगी, दोनों में 2 in 1 है ना, एक तीर से दो निशाने, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या ज़्यादा रिवाइज कर लेना। जिनका नहीं है, जो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है लास्ट 1 हफ्ते में, उनके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी जिन्होंने जो लोग कर रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, कमेंट करते हैं आप लोग मार्क्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। एनीवेज जिन लोग चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो हमारी प्रैक्टिस चलती है, हमारे लाइव सेशन चलते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।